राशिफल धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशिफल के बारे में कि यह दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किन किन चीज़ों से इनको फायदा होगा और किन चीज़ों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या है। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाएं जिससे समय समय पर हमारे न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए आज का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। इस समय की स्थितियाँ आपको कोई शुभ अवसर प्रदान करने वाली है, इनका भरपूर सम्मान करें। कहीं पूंजी निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो तुरंत कर दीजिए। भाइयों अथवा निकट संबंधी के साथ कुछ लाभकारी योजनाओं पर विचार विमर्श होगा। आर्थिक मामलों में अप्रत्याशित फायदा होने से मन में प्रभावित रहेगा। आपका धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा जिसकी वजह से आपकी सोच सकारात्मक व संतुलित होगी। इस समय सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करते चलें, समय आपके पक्ष में है। अगर किसी पॉलिसी आदि में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो तुरंत निर्णय लें, परिस्थितियां आपके पक्ष में है। लेकिन दूसरों की सलाह लेने की अपेक्षा अपने मन की आवाज़ सुने, आपको अवश्य ही उचित सलाह मिलेगी। रुके पारिवारिक और व्यक्तिगत कार्य में समाधान मिलने की पूरी उम्मीद है। आज आप अपने अंदर नया जोश और ऊर्जा महसूस करेंगे और कुछ समय से चल रही घरेलू समस्याओं को आप काफ़ी हद तक व्यवस्थित करने के लिए कामयाब रहेंगे। वर्तमान समय के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आपने अपने परिवार की सुरक्षा संबंधी जो नियम बनाए हैं वह बहुत ही उचित रहेंगे। आज फाइनेंस से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से सकारात्मक नतीजे हासिल होंगे। साथ ही आपकी किसी योजना के क्रियान्वित होने से मन में खुशी और उमंग रहेगा। कुछ समय खुद के रुचिपूर्ण कार्यों को रोकने में भी व्यतीत रहें, इससे आपको आत्मिक और मानसिक खुशी मिलेगी। आज आप अपनी कार्यकुशलता के दम पर कई कार्य बेहतरीन तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। इस समय अपनी सोच पूरी तरह व्यवहारिक रखें, शेयर मार्केट और ऋण संबंधी कार्यों में लाभदायक अवसर प्राप्त होंगे। चलिए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं नेगेटिव की। आलस की वजह से किसी भी काम को टालने का प्रयास न करें, क्योंकि इसकी वजह से कुछ महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। बोलचाल का लहजा नरम रखें। गलत भाषा के प्रयोग से कुछ लोग में नाराजगी उत्पन्न हो सकते हैं। कभी कभी मनमर्जी और अति आत्मविश्वास की वजह से धोखा खा सकते हैं और मित्रों के साथ अपना समय व्यर्थ न करें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करने से आपके कई कार्य सुचारू रूप से व्यवस्थित होगा। आय के साथ साथ व्यय की भी अधिकता रहेगी। किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने परिवार और व्यवसाय पर न होने दें, क्योंकि इस वजह से आकरण ही गलत फहमियाँ उत्पन्न हो सकती है। कर्मचारियों के साथ संबंध खराब न करें। बच्चों की समस्याओं को समाधान में उनका सहयोग करें, इससे उनमें सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आने से आपके कई महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। अपने भावुक स्वभाव पर अंकुश लगाएं, अन्यथा कोई आपकी भावुकता और उदारता का नाराजगी फायदा उठा सकता है। मामा पक्ष के साथ संबंधों में गलतफहमी आना उत्पन्न होने दें। अपनी वाणी और जिद्दी स्वभाव पर नियंत्रण रखें। अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें, कुछ लोग जलन की भावना से आपके प्रति परेशानियां बढ़ा सकते हैं। पड़ोसी के साथ बात बात जैसी स्थिति बन सकती है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अब बात करते हैं व्यवसाय की। कार्य क्षेत्र में सहयोगी के कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण रहेगा। बाहरी स्रोतों से चल रही व्यावसायिक बातचीत का आज उत्तम परिणाम सामने आएंगे। साथ ही कुछ समय से चल रही उतार चढ़ाव में ठहराव आएगा। व्यावसायिक गतिविधियों में अभी ज़्यादा सुधार की भावना नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान कार्य उचित रूप से होते जाएंगे। पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्य में फायदा मिलेंगे। सरकारी सेवारत लोगों को आज के दिन भी बहुत कार्यभार मिल सकता है। व्यवसायिक स्थल पर की गई मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। अगर कोई सरकारी कार्य रुका हुआ है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह करें, कुछ ही दिन में आपका कार्य हो जाएंगे। मीडिया और रचनात्मक व्यवसाय से जुड़े लोग अच्छा काम करने की वजह से पुरस्कार के दावेदार भी बन सकते हैं। व्यवसायिक गतिविधियों में लापरवाही न बरतें। इस समय कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। कुछ पुराने ऑर्डर या किसी पार्टी के साथ दिक्कत आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा, इसलिए आज के घर से भी कार्य करना पड़ सकता है।
लेकिन इस समय धैर्य बनाकर रखना ही इसका उचित समाधान है। इस समय बेहतर रहेगा कि कार्य क्षेत्र में अधिकतर काम खुद ही निपटाने का प्रयास करें। ऑफिस में अधिकारियों से बातचीत करते समय अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित रखें, क्योंकि इस समय परिस्थितियां को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना उचित रहेगा। मार्केटिंग संबंधी कार्य में अधिक समय व्यतीत करें, क्योंकि संपर्क बढ़ाने से आपके व्यवसाय संबंधी उपलब्धियां बनेंगी। किसी सहयोगी से चल रहा पुराना मतभेद खत्म होगा और संबंध उचित हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। वहीं बात करते हैं लव लाइफ की। व्यस्तता के बावजूद आप घर परिवार को प्राथमिकता देंगे, साथ मनोरंजन और घूमने फिरने में भी व्यतीत होगा। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ नोकझोंक रहेगी। अविवाहित व्यक्तियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। प्रेम प्रसंगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार और व्यवसाय दोनों पर पड़ेगा। इस समय परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर बनाकर ज़्यादा उचित रहेगा। जीवन साथी का आपके प्रति भावनात्मक सहयोग आपके कार्य क्षमता को नई दिशा प्रदान करेगा। किसी बच्चे की किलकारी संबंधी सुखद सूचना मिल सकती है। व्यर्थ के प्रेम संबंधों और मनोरंजन आदि में समय नष्ट न करें। पति पत्नी का आपसी सामंजस्य उचित बना रहेगा। किसी पुराने मित्र के मिलने से यादें ताज़ा होंगी और मन प्रफुल्लित रहेगा। व्यस्तता के बावजूद घर परिवार प्राथमिकता देना परिवारजनों की खुशी प्रदान रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं स्वास्थ्य की। संतुलित खानपान की वजह से गले में कुछ इन्फेक्शन जैसी समस्या महसूस होगी। आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करें। सिर दर्द और थकान की वजह से कुछ असहज महसूस करेंगे। तनावजनक परिस्थितियाँ से दूर रहें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अपने विचारों को पॉजिटिव बनाकर रखें। गैस और बदहजमी से संबंधित चीज़ों का सेवन न करें। मौसमी परेशानी जैसी खांसी जुकाम की शिकायत रहेगी। उचित आराम लें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन अपने दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर ही रखें, लापरवाही न बरतें। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों, आपका भाग्यशाली रंग हरा है और भाग्यशाली अंक 5 है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।